morning. It's 18th October 2018. Just got up और अभी बज रहे हैं 8:15. काफी अच्छे रिलैक्सिंग मोड पे सोए थे. अभी भी सब लोग सो गए. पीछे जैसा सो रहा है. बल्ली भी सो रहा है. बल्ली उठो यार, लेट हो जाएंगे. जतिन चलिए, तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तैयार फ्रेश होके. ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल. थोड़ा सा लेट हो गया, 11 o'clock हो गया है. 8 बजे उठे थे सो के, तो काफ़ी कुछ हुआ. ब्रेकफास्ट करने में टाइम चला गया. उसके बाद ठीक है, वी आर ऑन अ ट्रिप, हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है. तो बेटर है कि आराम से निकलो और सेफली पहुँचो. अभी हम लोग होटल में ही हैं और अभी हम लोगों ने पूरा सामान जो है वो टाई अप कर दिया. पीछे दोनों बाइक्स खड़ी हुई हैं, पूरा टाई अप हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू लीव फॉर मेडिकेरी. यहाँ से 89 किलोमीटर्स है नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री एंड वी स्टेड हेयर एट जिंजर मैसूर. इट इज़ अ नाइस प्लेस, वर्थ है. आप पहले से बुकिंग करा लो, आओ यहाँ पर रुको. बढ़िया, बहुत अच्छा एम्बियंस था. सो नाउ वी आर लिविंग फॉर मेडिकेरी. अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इट फॉर 2 hours टू रीच द मॉनेस्ट्री. फिर वहाँ से हमारा मेडिकेरी में जो स्टे, हम लोग वहाँ जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फाइनली वी आर आउट ऑफ द मैसूर, मूविंग टूवर्ड्स मडिकेरी. टू ऑफ माई फ्रेंड्स, जतिन खुराना एज अ पिलियन एंड बरजिंदर सिंह एज अ सेकेंड राइडर. मौसम भी काफ़ी अच्छा है, कल बारिश हो गई थी. हम लोग जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ से बारिश निकल चुकी थी. तो आई थिंक कि ऊपर वाले की रहमत रही, आप लोगों की दुआ रही जो मैं बारिश में नहीं भीगा. इट्स टाइम फॉर सम ककड़ी ब्रेक. ककड़ी खाने के लिए रुके हुए हम लोग, मैं और जतिन. बल्ली भाई पता नहीं क्यों नहीं खा रहे, बोला पेट भरा हुआ है. हम तो खाएंगे भाई. ब्रेक ऑल्सो साथ ही में चल रहा है, ककड़ी और कोकोनट. अच्छा है लेकिन काफी मीठा है. कोकोनट वाटर एक्चुअली कीप्स यू हाइड्रेटेड. चलो यार, और ककड़ी आपको फ्रेश कर देती है. एंजॉय करो इस राइड को मेरे साथ, बने रहिए चैनल पर. Now we are entering to the golden temple, that is monastery which is famous here, which is one of the largest teaching monastery in the world, and this is the Asia's also and world's also. So chaliye chalte hain ek monastery tour par, dekhte hain ki monastery ke andar kya kya hai. Waise to I think 7 to 8 teaching centers are here which include schools and colleges. So let's see, let's explore them. ओके, तो पीछे जो आप देख रहे हैं वो सामने पूरा वो पूरी मॉनेस्ट्री है. वहाँ पर ये अच्छी जगह है, आइए. वर्थ है. आई थिंक मडिकेरी तो नहीं जाना पड़ेगा, मडिकेरी से बिफोर ही है ये, तो उसके पहले ही हमको ये पड़ जाती है मडिकेरी की, जस्ट पहले. ओके थम्स अप. अंदर मैंने शूटिंग नहीं की बिकॉज आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड वन शुड रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स. ये रिकॉर्डिंग नहीं किया बट इट वॉज वर्थ. ये जो बुद्ध स्टैचू, इट इज़ अबाउट बुद्ध अमितियुस एंड ही इज़ नोन फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, गिविंग लॉन्ग लाइफ दोज हू वर्शिप हिम, दोज हू प्रेज हिम. तो ये उसी से रिलेटेड है. 60 feet का बुद्ध अमितियुस है, उनका स्टैचू है और इट इज़ गोल्ड प्लेटेड कॉपर. एक्चुअली अच्छी जगह है लेकिन वर्थ है. थोड़ा सा शांति का ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को, लेकिन इतना हो हल्ला होता रहता है, सब चिल्लाते रहते हैं, कोई सेंस नहीं निकलता. चलो फिर मिलता हूँ थोड़ी. सो आफ्टर मॉनेस्ट्री खाना खाना बनता है, तो लंच के लिए आए हुए हम लोग. उनका मनाया रेस्टोरेंट है वहाँ पर. जतिन ने ऑर्डर किया हुआ है थाली. बली भाई ने मंगाया है वेज नूडल्स, शेजवान नूडल्स, और मैंने मंगाया है वेज थुप्पा. द विजिटिंग द नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री ऑन द वे है. काफ़ी हैवी लंच हो गया है,
तो बने रहिए मेरे चैनल पर और एंजॉय करिए इस राइड को मेरे साथ। बारिश होने लगी तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है बारिश के लिए। नाउ वी आर ऑल सेट, रेनकोट पहन लिया है, बैग्स कवर कर लिए हैं, सभी लोगों ने बल्ली तैयार हो गया है, जतन भी हो गया है। अगेन वी आर लिविंग आई थिंक यहाँ से 5 मिनट्स हमारा होटल, अब आगे स्टोर करते हैं। क्योंकि तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मेडिकेरी और थोड़ा सा डिले हो गया आने में क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, बट इट्स ओके, फाइन, पहुंच गए टाइम से। आई थिंक अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 5 o'clock हो रहा है। तो देखते हैं, कमरा तो बड़ा अच्छा है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, वैसे बुकिंग मैंने की थी booking.com से, बट इट्स वर्थ। तो चलिए देखते हैं और व्यू देख लेते हैं कि व्यू कैसा है। शानदार नज़ारा है जतन भाई, क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर नज़ारा भाई, एक नंबर। पूरी हसीन वादियाँ दिख रही हैं, देखिए सामने ये, इधर वो दूर पहाड़, इधर पूरे घर बने हुए हैं, मस्त। तो चलो फिर चलते हैं, आज का डे अब देखते हैं कुछ हैपनिंग्स, अब बस बारिश रुक जाए। बारिश ने थोड़ा सा मूड डाउन कर दिया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, बारिश है, थोड़ा सा मौसम और सुहाना हो जाए, बस बारिश रुक जाए एक बार तो थोड़ा सही लगे। चलो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी मैं हूँ मडिकेरी राजा सीट पर और बारिश हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन सीन व्यू बहुत शानदार है, टाइमलेस एंजॉय करिएगा बिल्कुल पूरा, और व्लॉग पूरा देखना, मस्त मज़ा आने वाला है। आप खुद देख लो अपनी आंखों से कि मतलब क्या व्यू है इस जगह का। आई विल शो यू द होल व्यू, थोड़ी लाइट डिम हो सकती है बट इट इज़ गुड, मतलब ये वर्थ जगह है। बैठने का और बहुत प्रॉपर जो रेड लाइट रहता है ना सनसेट के टाइम का, बहुत सही है देखने लायक। आप यहाँ पे आओगे उस चीज़ को फील करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई में क्या खूबसूरत जगह पर है, मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो, और मतलब शायद इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। बहुत ही मस्त बनाया है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा नमक कम है। सो फाइनली आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली, एंड अभी रात के 11 बज चुके हैं, डिनर भी कर लिया है हम लोगों ने, अब सोने का टाइम आ गया है, और जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कल निकलेंगे यहाँ से फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट अगर यह व्लॉग आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करें, अपने थॉट्स शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल से फिर एक नया वीडियो आएगा मस्त वाला, तब तक लिए थम्स अप। So good night. Jata. Good night. Energy level down ho chuka hai. Kal coffee ki bahut zarurat hai. So goodbye.